तो मियां जरा अपनी कब्ज दिखाएं। क्या? मेरा मतलब अपनी नब्ज दिखाएं, अपने मर्ज के बारे में बताएं। अम्मा अभी बताया तो था कि इनकमिंग तो हो रही है लेकिन आउटगोइंग नहीं हो रही। अम्मा भैया छोड़ो भी ये नाम मुराद आउटगोइंग इनकमिंग, कुछ और तकलीफ है? अरे डॉक्टर साहब सिग्नल वीक है, मतलब कमजोरी सी महसूस हो रही है। अम्मा ये आउटगोइंग ना होने की वजह से कमजोरी हो रही है। लाइए मैं जरा आपका पेट चेक किए लेता हूँ। अम्मा ये तो पत्थर हो रहा है, लगता है इस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। है? ये लगता है खा खा के नाड़ियां जम चुकी हैं, थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है कि ये गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। डॉक्टर साहब एक मिनट सर्किट फटने वाला है, हट जाओ, नाक पे हाथ रख लो। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा मतलब ये तो अल्लाह मियाँ के हाथ में, मियाँ हमारा काम तो कोशिश करना है। एक मिनट जरा पेट चेक करने दीजिए। अरे पेट तो पत्थर हो गया है। पत्थर हो रही है? पेट में तो गांठ पड़ गई है। गांठें पड़ रही है? मियाँ ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? फिक्र मत कीजिए मियाँ, फिक्र मत कीजिए, हम डॉक्टर अलविदा सियानिस्तानी मशहूर हैं इस ऑपरेशन के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, ना निशान होंगे और ना दर्द होगा। ना ऑपरेशन होगा? फिर भी ऑपरेशन होगा। होगा, और उसकी फीस 10,000 रुपए प्रीपेड। 10,000 रुपए? डॉक्टर साहब कब इसका ऑपरेशन और 10,000 रुपए? मियाँ कैसी बातें कर रही हो? कब्ज का ऑपरेशन कोई आसान है? अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पेट को खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा? हाँ, फिर अंदर जाके तह तक आंतड़ियों में देखना पड़ेगा, जहां जहां गांठे हैं तिनका करके उन्हें उधेड़ना पड़ेगा। उधेड़ना पड़ेगा, और पहले आप फीस प्रीपेड 10,000 रुपए जमा करवा दें। 10,000 रुपए फीस? लो अम्मा पूरे हैं। अम्मा हमसे धोखा करके जाओगे? कहाँ जाएंगे? हाँ तो नाजिनी इंजेक्शन हमें दीजिए और इनको बेहोश करने की तैयारी कीजिए। डॉक्टर साहब मैंने बेहोश करूं? अरे कमबख्त, तुम क्यों करोगे बेहोश? आखिर मैं इस दवा खाने का रहबर हूँ। अरे इस दवा खाने के डॉक्टर हम हैं, ज्यादा चौड़े हुए तो ये इंजेक्शन ठोक दूंगा तुम्हें। चलो मियाँ। डॉक्टर साहब मैं कहाँ पर हूँ? मियाँ तुम उसी खुदा की बनाई हुई दुनिया में सही सलामत। अरे डॉक्टर साहब ये क्या? अरे ना दर्द हो रहा है ना एहसास हो रहा है, ऑपरेशन हुआ है। आए, 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 आए। ये डॉक्टर सियानिस्तानी की कारस्तानी है, घर जाकर पट्टी खोल कर देखना, ना तो तुम्हें ऑपरेशन का निशान मिलेगा और ना ही दर्द महसूस होगी। हमारे डॉक्टर साहब ना डॉक्टर बनने से पहले मोची थे, फटा हुआ जूता ऐसे सीते थे कि जूते को भी पता नहीं चलता था कि वो फटा था या नहीं। लाहौल मिला कुब्बत, ना स्पीटे ना दीदे खाएगा। मियाँ ये लो पुड़िया, घर जाकर दूध में खोल कर पी जाना, आउटगोइंग शुरू हो जाएगी। शुक्रिया। तो मैं चलूं? हाँ जाओ ना भैया, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मोबाइल भी दे गया। बड़े सियाने डॉक्टर सियानिस्तानी, बगैर ऑपरेशन किए 10,000 रुपए का बिल बना दिया। हाय, ये डॉक्टर सियानिस्तानी की ही कारिस्तानी है कि 10,000 रुपए में जुल्लाब की पुड़िया बेच सकते हैं। एक पुड़िया जुल्लाब की अंदर जाएगी और आउटगोइंग शुरू। डॉक्टर साहब जो इनकमिंग आई है 10,000 रुपए उसका कर ले हिसाब। इनकमिंग अभी आई है तो उसको मैं अभी ही आउटगोइंग बना दूं? नहीं मियां, इसका हिसाब तो होगा 1 महीने बाद,
अभी तो ये मंथली रेंटल स्कीम पे चलेगी। एक मिनट, मेरा फोन आया। हेलो जी, क्या कहा? आपका फोन? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। देख लिया रहमान, 10,000 की रकम हाथ में आते ही डॉक्टर अलविदा सियानिस्तानी किस तरह दवा खाने से खिसक लिए। हाँ, जरूरत से कुछ ज्यादा ही सियाना है डॉक्टर सियानिस्तानी। तुम भी तो बड़े सियाने बन गए थे। तुमने क्या सोचा कि इस दवा खाने का मालिकाना हक क्या मिल गया? किसी बेवकूफ डॉक्टर को यहाँ पर ले आओगे पार्टनरशिप में, वो कमाएगा और हम ऐसे बैठे बिठाए खाएंगे। हमारे हिसाब से हमारे ही दवा खाने में वो सियाना एक मरीज से 10,000 रुपए ऐड कर चला जाता है और मुझ जैसा पैदाइशी गुर्बत का मारा देखता रह जाता। ऐ मेरे खुदा, क्या मेरा नसीब काली स्याही से लिखा था। मुझे तो महसूस होता है कि तुम्हारे साथ रह रहकर मेरे अच्छे नसीब पर भी काली स्याही के छींटे पड़ गए। तुम ही डॉक्टर सियानिस्तानी जैसे सियाने डॉक्टर को इस दवा खाने में लाए थे, है ना? अब मुझे क्या पता था कि अगर मैं अपने हिस्से का हिसाब डॉक्टर सियानिस्तानी से मांगूंगा तो वो रंग बदल लेगा। वाकई ये डॉक्टर सियानिस्तानी तो रंग बदलने में बड़ा ही माहिर था। गिरगिट भी शर्म आ जाए। नाज़नीन, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? हमें कुछ सोचना चाहिए। अरे सोचने से कुछ नहीं बदलता, हमें तो अपने नसीब पर रोना चाहिए। अच्छा, रोने से नसीब को तरस आ जाएगा, वो बदल जाएगा? अगर रोने से नसीब बदल सकता है तो मैं रोना शुरू करता हूँ। नसीब नहीं बदलता रहमान। फिर कैसे बदलेगा? सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पर यकीन रखो, जो हो रहा है उसे होने दो। लेकिन अल्लाह ने हमें जो दिमाग दिया है उसका भी तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करते हैं, चुपचाप एक महीना गुजरने देते हैं। यानी कि एक महीना उसे अपनी पॉकेट भरने दे। और हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा करते हैं, अगर डॉक्टर अलविदा सियानिस्तानी ने एक महीने गुजरने के बाद चुपचाप ईमानदारी से हिसाब कर दिया तब तो ठीक, वरना हम भी सियाने बन जाएंगे, डॉक्टर को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आखिर इस दवा खाने का मालिकाना हक तो हमारे ही पास है ना। तुम तो बड़े सियाने हो गए रहमान भाई जान।